भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों इतने बिजी हैं कि उन्हें अपने फिल्में, अपने एल्बम, अपने किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। और बिजी वो इसलिए हैं क्योंकि वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और 23 मई तक यानी कि जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते तब तक पवन सिंह ऐसे ही बिजी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह 5 मई को दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली वो किस लिए जा रहे हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि चुनाव प्रचार के लिए, और वो चुनाव प्रचार किसी और का नहीं, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का करने जा रहे हैं। जी हाँ, गौतम गंभीर के लिए गली गली घूमकर वोट मांगेंगे पावर स्टार। आपको बता दें कि दिल्ली में पवन सिंह की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, कोलकाता में तो वो प्रचार कर ही रहे हैं। पहले ये प्रचार एक दिवसीय था जहाँ पे कोलकाता में वो एक दिन के लिए प्रचार प्रसार करने वाले थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये प्रोग्राम 2 दिन का कर दिया गया है। अब कोलकाता का चुनाव प्रचार खत्म करके सीधे पवन सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर वो मनोज तिवारी से लेकर जितने भी भाजपा कैंडिडेट खड़े हैं सभी का चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है गौतम गंभीर। आपको बता दें गौतम गंभीर जिस सीट के लिए लड़ रहे हैं वो भाजपा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, और जिस जगह से गौतम गंभीर लड़ रहे हैं वहां पवन सिंह की फैन फॉलोइंग की संख्या कुछ ज्यादा ही है, इसलिए यहां पर बीजेपी ने बुलाया है पवन सिंह को गौतम गंभीर का चुनाव प्रचार करने के लिए। और पार्टी के ऑर्डर सुनते ही पवन सिंह पहुंच जाएंगे 5 तारीख को गौतम गंभीर का चुनाव प्रचार करने के लिए। वैसे यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी ने जितनी भी जिम्मेदारियाँ पवन सिंह पर दी है चुनाव प्रचार के दौरान, पवन सिंह उसे बड़े ही ईमानदारी के साथ और बड़े ही सक्षमता से निभा रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।